हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो फाइनली मैं कल हिस्ट्री का आप लोग का टेस्ट लिया था और उसका जो है रिजल्ट मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के सामने में, और साथ ही मैं हिंदी का टेस्ट एग्ज़ाम। तो हिंदी का टेस्ट एग्ज़ाम कैसे देना है वो मैं आप लोग को लास्ट में बताने वाला हूँ। पहले जो कल जो हिस्ट्री का मैं टेस्ट लिया था उसका रिजल्ट देखेंगे, कौन टॉपर है, कौन किसका मार्क्स कितना आया है, वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरी तरीके से देखेगा, उसके बाद लास्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हिंदी का टेस्ट जो लिया हूँ आप लोग कैसे दीजिएगा, जो कल जो है मैं आप लोग को रिजल्ट देने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कल मेरा मिस्टेक की वजह से जो बहुत सारे स्टूडेंट का सबमिट नहीं हो पाया था टेस्ट, जिसके वजह से मेरे पास जो उन लोग का डाटा नहीं आ पाया और मैं खुद को जो है माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ कि क्यों इस तरीके से हो गया था। सारे स्टूडेंट टेस्ट दिया था लेकिन सबमिट नहीं होने के कारण मेरे पास डेटा नहीं आया, और कुछ ही स्टूडेंट का जो है मेरे पास डेटा आया जिसका मैं रिजल्ट बता रहा हूँ। और आज जो है सबका डेटा आएगा, क्योंकि आज मैं कम्प्लीटली अच्छे तरीके से जो है टेस्ट को तैयार कर रखा हूँ और आप लोग जाइए टेस्ट को दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कल का रिजल्ट। तो कल का रिजल्ट यानी कमलेश कुमार, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप टॉप किए हैं, यानी 40 में 38 मार्क्स लेकर आए हैं। उसके बाद दूसरा है सदफ नाम है, ठीक है। तो सदफ जो है 35 नंबर लेकर आई है, ओके। उसके बाद तीसरा है प्रीति कुमारी, तो प्रीति कुमारी 33 मार्क्स लेकर आई है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब बधाई आप लोगों को कि आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं। उसके बाद एक है प्रीतम कुमार मंडल, वो भी 33 नंबर लेकर आया है। उसके बाद rk89@gmail.com ऐसे ऐसा है कुछ है, ठीक है, नाम है उसका। तो 7 नंबर लेकर आया है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा तैयारी कीजिए, ठीक है। और बाकी जो मैं इतना ही जो है आज डेटा जो मेरे पास आया हुआ है जिसका मैं रिजल्ट आप लोग को बता चुका हूँ। और देखिए मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग जो है हिंदी का टेस्ट देंगे, ठीक है, वो भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर लैपटॉप स्क्रीन में मैं आप लोग को पूरी तरीके से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार तो देखिए आप लोग को हिंदी का टेस्ट कैसे देना है जिसका मैं रिजल्ट आप लोग को कल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल में आइएगा। गूगल में जिस तरीके से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आप अपने फ़ोन पे भी जा सकते हैं और सर्च बॉक्स में आप लोग को यहाँ पर टाइप करना है, क्या टाइप करना है, bbphelp.com, जिस तरीके से यहाँ पर मैं टाइप कर रखा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर टाइप किया हुआ bbphelp.com, इस तरीके से आप लोगों को भी टाइप कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करते ही आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने में इस प्रकार के इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा आपके फ़ोन में भी इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा क्या कि एडमिट कार्ड एंड रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट, उसके ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ थोड़ा सा कि नीचे यहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ का जो है कंप्लीट जो है सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के सामने में आप लोग क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से आप करना है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। जब ओपन होते ही आपके सामने में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट आ जाएगा, देखिए हिस्ट्री का मैं कल लिया था, अगर आप लोग नहीं दिए तो जाकर के दे सकते हैं। और हिंदी के सामने में आप लोग आइएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है क्या कि हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने में इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। खुलते ही आपके सामने यहाँ पर देखिए मेंती टेस्ट 2023, उसके बाद क्या है क्लिक हेयर ने न्यू है, जहाँ पर ये इसमें नहीं देना है, इसमें आप लोग जाकर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रिजल्ट मैं देने वाला हूँ तो इसका देने वाला हूँ, यानी मेंती टेस्ट 2023। उस क्लिक हेयर के सामने क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, अपना नाम दे देना है, जैसे कि मेरा नाम क्या है, मैं बीबीपी हेल्प दे करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो बीबीपी हेल्प आप लोग को कोई भी नाम है आप लोग अपना नाम दे करके, उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से दे दीजिएगा, ठीक है। क्लिक जहाँ पर जो सही है, मान ली कोई सा भी सही है, मैं गलत सही जो भी दे रहा हूँ आप लोग देखिएगा नहीं, ये चीज़ मैं पता लगा मेरा देख देख करके आप लोग दे सकते हैं तो गलत हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे करके देखने का सारा जब दे दीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, यानी 20 क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग क्या करना, लास्ट में यानी सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने में देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब मान लिए जो गलत किए हैं तो वो गलत आप लोग दिख जाएगा, जो सही किए हैं तो सही करके यहाँ पर रेड टिक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो आप लोग जाइए फटाफट से हिंदी का टेस्ट दीजिए और फिर जो है आप लोग का रिजल्ट जो मैं कल देने वाला हूँ। तो आज का वीडियो अभी तक, और देखिए आज 7 बजे इंग्लिश की क्लास होने वाली है, आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। जय हिंद।